नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बहुत सारा कमेंट्स आ रहे थे कि 1000 स्क्वायर फीट में 2 तल्ला घर बनाने में कितना रुपया खर्चा आएगा। तो दोस्तों, आप लोग के कमेंट के अनुसार मैं आज भी एक वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 1050 स्क्वायर फीट में बने हुए घर का, मतलब 35 फीट बाई 30 फीट में बने हुए इस घर का फ्रंट और साइड एलिवेशन का डिज़ाइन दिखाऊंगा, और साथ साथ ये भी बता दूंगा कि अब तक इस घर में कितना रुपया खर्चा हुआ है। पार्ट वाइज मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। चलते हैं पहले 30 फीट चौड़ा साइड एलिवेशन की तरफ, उसके बाद हम लोग 35 फीट में जो चौड़ा फ्रंट एलिवेशन है उधर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीका से यहाँ पे काम किया गया है। तो ऊपर वाला हिस्सा में आप देख पा रहे होंगे कि जो पैरापेट हमारा डिज़ाइन लगाया हुआ है, उसके नीचे देखेंगे तो बीट लगाया हुआ है। आपको 3 बीट बनाया गया है, ईंट की मदद से आपको आसानी के साथ ये बन जाता है। और उसमें देखेंगे स्टेनलेस स्टील का यहाँ पर पैरापेट रेलिंग लगाया गया है। ये है इस घर का हेडर रूम, मतलब सीढ़ी रूम, जहाँ पे आपको विंडो मिलता है वो बॉक्स डिज़ाइन का। इससे भी ईंट को बाहर निकालते हुए बॉक्स नुमा डिज़ाइन बनाया गया है। बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट में मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें। ये देखिए, इसका है विंडो सनसेट, बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन का स्लोप डिज़ाइन। और यहाँ पे देखेंगे ऊपर वाला डिज़ाइन था वो बॉक्स नुमा, और फिर नीचे में भी है, यहाँ पर है ये पैरापेट वाल का डिज़ाइन रेलिंग के साथ। तो सेम डिज़ाइन का उपयोग किया गया है, जो डिज़ाइन का उपयोग ऊपर में किया गया है उसी को नीचे में भी। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं फ्रंट की तरफ। तो आप देख लीजिए, इसके कॉर्नर पर भी आपको एक ज़बरदस्त लुक देखने को मिलता है। आप देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं खास किया गया है, जो बीट डिज़ाइन है उसे ही अच्छा तरीक़ा से बना लिया गया है। चलिए अब आगे हम लोग घर के फ्रंट की तरफ। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो उसी डिज़ाइन को कॉपी किया गया है। नीचे में आप देख पा रहे हैं कि छज्जा निकालते हुए वहाँ पे 4 बिट डिज़ाइन का यहाँ पे उपयोग किया गया है। आप देख लीजिए, उधर में 3 था, इधर में 4 कर दिया गया है। ये रहा सेम डिज़ाइन का पैरापेट रेलिंग स्टेनलेस स्टील का। आप चाहें तो एमएस का भी यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि स्टेनलेस स्टील के साथ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसमें जो मेंटेनेंस वगैरह है, जो पेंटिंग वगैरह का काम करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ता है, और सालों साल तक आपका चमकता रहता है, जंक वगैरह इसमें नहीं लगता है। चलिए आते हैं अब नीचे की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे तो सेम डिज़ाइन का आपको विंडो नज़र आ रहा है, हालांकि यहाँ के ऊपर में स्लोप डिज़ाइन, और फिर नीचे में देखेंगे तो आपको बॉक्स नुमा डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं जो तीनों विंडो है वो सेम डिज़ाइन का है, लेकिन बीच वाला जो विंडो में देखेंगे तो उसमें बॉक्स वाला जो डिज़ाइन है उसको हटा दिया गया है, लेकिन तीनों में एल्युमिनियम स्लाइडिंग विंडो यहाँ पर लगाया गया है। तो देख लीजिए, कुछ इस टाइप से काम किया गया है। अगर आप एल्युमिनियम स्लाइडिंग डोर अपने घर के लिए लगाने वाले हैं तो उसका साइज़ है वो 3.5 फीट बाई 3.5 फीट से बिल्कुल भी कम ना रखें। वैसे मैं बोलूँगा कि 4 बाई 4 का ही एल्युमिनियम स्लाइडिंग डोर लगाएं। चलिए चलते हैं अब नीचे की तरफ। तो नीचे में भी आप देख पा रहे हैं कि आसानी के साथ यहाँ पर बन जाने वाला एक ज़बरदस्त विंडो सनसेट का डिज़ाइन, जो कि ऊपर में है स्लोप डिज़ाइन, और नीचे में देखेंगे तो आर्क शेप का उपयोग यहाँ पर किया गया है। आप इसको देखेंगे नीचे तरफ तो ये विंडो का साइज़ है 4 फीट बाई 4 फीट, और उसमें वुडन का पल्ला लगा हुआ है। तो दोस्तों, अब तक आपने देखा कि 1050 स्क्वायर फीट का ये बना हुआ 2 महला घर है, और इसका जो मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ प्लास्टर तक ही बता रहा हूँ कि आपको घर बनाने के बाद जो प्लास्टर तक का खर्चा आता है उसमें कितना रुपया लगेगा। क्योंकि कुछ लोग दोस्तों अपने घर में चूना करके भी काम चला लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाई बजट में अपना घर बनाते हैं, मतलब उसमें पुट्टी पेंटिंग वगैरह अच्छे क्वालिटी वाला कराते हैं, जिससे उनका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ते चला जाता है। अगर मैं आपको प्लास्टर तक का खर्चा बता दूँ तो सभी तबके के लोगों का एक आइडिया मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि ऐसा 2 तल्ला घर बनाने में कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा 2021 में, वो भी प्लास्टर के काम तक। तो आपको 18 से 19 लाख रुपया खर्चा हो सकता है सिर्फ प्लास्टर के काम तक। दोस्तों, मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जो घर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है वो हर स्टेट और हर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है, तो उसके अनुसार आपको सोच के चलना होगा, हल्का ज़्यादा या फिर कम बजट में ही आपका काम हो सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।